हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास है एक रेडमी का K20 प्रो मॉडल, जिसमें कस्टमर का ये कहना है कि वो गोवा घूमने गया था और जेब में फ़ोन था और ऐसे ही पानी के अंदर चला गया फ़ोन के साथ में, और जैसे ही बाहर आके देखता है तो फ़ोन बंद। एक्चुअली क्या है, या इसके अंदर जो पानी गया है वो सॉल्टेड वाटर है, तो जितना नॉर्मल पानी फ़ोन को डैमेज नहीं करता, उतना सॉल्टेड वाटर ज़्यादा डैमेज कर देता है फ़ोन को। तो अब हम इसको खोल के चेक करते हैं इसका क्या सीन है। तो गाइज, ये जो K20 प्रो मॉडल मेरे पास आया हुआ था, तो अभी मैंने कस्टमर से बात की है इस बारे में कि इस फ़ोन को ठीक करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हो गाइज, इसकी जो हालत है ना, कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। आप नीचे की तरफ आप देखिए, यहाँ पे जो इसका डिस्प्ले कनेक्टर है पूरा डैमेज है, इसका जो वाइब्रेटर है वो पूरा डैमेज है, फिंगरप्रिंट सेंसर तो चलो ठीक है, कोई नहीं, जुगाड़ हो जाएगा, बट ये वाला जो है इसका चार्जिंग का स्लॉट देखिए आप, कुछ है क्या ऐसे बनने लायक अभी? मैं कितना भी इसको अच्छे से क्लीन कर लूँ या कुछ भी कर लूँ, बैटरी चलो ठीक है, बैटरी काम आ जाएगी। इसका जो पॉपअप कैमरा है, स्टेपर मशीन जो लगी हुई है वो भी काम से जा चुकी है। तो फिर मैंने इसको कस्टमर को बोला, भाई कि इसमें देखिए आपका जो मदरबोर्ड है वो फिक्स करके तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला आपका। उसको मैंने बताया भाई कि इसमें खर्चा तो लगभग 8,000 रुपये आ जाएगा पूरा फ़ोन ठीक करने का। तो उनका मुझे जवाब मिलता है कि भाई एक काम कर, तू इस फ़ोन को पैक कर, मैं क्या करूँगा 8,000 के अंदर फिर से गोवा का ट्रिप मैं बुक कर लूँगा और वापस जाके वहाँ पे बहुत सारे नए नए फ़ोटो खींच के एक अच्छे से लैपटॉप में उसको मैं बैकअप लेके फिर मैं वापस रिटर्न आ जाऊँगा।